शुक्रवार को नगर परिषद झज्जर के निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए 5 और पार्षद पद के लिए 14 उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल किया गया। हम आपको बता दें कि 5 जो प्रधान पद के लिए थे उनके नाम सोहन गुजर, सुभाष गुजर, राव नाहर सिंह व फकीर चंग में थे। सभी ने अपनी जीत की दावेदारी पुख्ता की और उन्होंने कहा कि हम झज्जर के लिए विकास कराएंगे। हम आपको बता दें जो ये पांचों पार्षद हैं प्रधान पद के लिए, उन सभी ने निर्दलीय अपना नामांकन भरा है। अभी किसी भी पार्टी ने, यानी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के किसी ने भी अभी अपना नॉमिनेशन नहीं किया है। मैंने आज नॉमिनेशन फार्म भर दिया है और लोगों से सलाह करके फार्म भरा है, सारे शहर से और देहात से और दुकानदारों से, सभी से उनकी जो भी समस्याएं होगी उनसे मिल बैठ करके बात करके सारी समस्याओं का समाधान कर दूँगा, साथ लेकर चलूँगा। शहर में क्या क्या कमियां आप लोगों को नजर आती है? देखो जी, फोकस रहेगा, मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन भाईचारा जब बैठ के अपने आप लोगों में बैठ के करेंगे ना तो मिल बांट करके सारे मुद्दे सुलझा लेंगे। मैं तो सोहन गुजर सभी मांगों को सुलझा कर पाएंगे? नहीं, मैं तो ये जानता हूँ कि शहर के लोग मेरा साथ देंगे तो सारे मुद्दों पे अमल कर लेंगे। एक ला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, उनका सहयोग रहेगा तो हर मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे प्यार से बैठ के। निर्दलीय चेयरमैन इतना दमदार रहेगा कि सारी चीजें करवा पाएगा लगता है? देखो जी, उसके बारे में तो शहर मेरा साथ देगा तो सब कर पाएंगे, नहीं तो जैसा भी है अपनी मेहनत पूरी करेंगे, कोशिश करेंगे लोगों को खुश करने की। कोई शहर के किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं आने देंगे, उनके हर टाइम दुख सुख में सब खड़ा हाजिर रहूँगा, जैसे वो सलाह देंगे उनके हिसाब से चलूँगा। हाँ, भ्रष्टाचार पे मेरा पूरा 2 बार रह चुका हूँ, मेरी मिसिज रह चुकी है, पहले भी भ्रष्टाचार पे पूरा जोर दिया था, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी और जज्बा एक साथ लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी ने सिंबल नहीं दिया है, उसे क्या लगता है कि आपकी दावेदारी और ज्यादा प्रबल होगी? ये तो शहर ही बता सकता है, मेरे को तो इस बारे में कोई नहीं, मैंने तो लोगों से अपील की है, वो सेवा का मौका देंगे तो मैं उनकी सेवा कर दूंगा। आपको भी कई पार्टियों ने टिकट देने की बात कही थी, ये निर्णय क्यों लिया आपने? नहीं, वो तो कह ही रहे थे कि भाई देंगे टिकट, अगर देते तो कोई दिक्कत नहीं था मुझे, तो मुझे तो शहर में काम करने से मतलब है, बाकी कोई पार्टी आजाद सब एक है, सब भाई हैं, सब मिल के काम करेंगे, सबका सहयोग लूंगा। नंबर 1 से फॉर्म भरा हुआ है, हम पिछली बार भी वार्ड 1 से जीत चुके हैं चुनाव, हम पिछले 5 सालों में जो हमने काम करे हैं उसी रफ्तार से उसको आगे चलते हम अपने कार्यों को पूरा करेंगे और जो पीछे बचे हुए कुछ काम रह गए उनको अब आगे पूरा करके, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे चुनाव में जीतने का मौका दें। वार्ड नंबर 1 में क्या लगता है कि अगर आप जीतते हैं तो पहली प्रायोरिटी पे वो काम आप करेंगे? बिल्कुल। क्या क्या काम आपको लगता है? कोई ऐसे काम जो आप अभी पेंडिंग है उसको पूरा कर सकते हैं? सबसे पहले मैं एक महिला हूं तो महिलाओं के लिए काम करूंगी और दूसरा सफाई के लिए, सफाई जो है हमारे वार्ड में वो सारा काम हम फिर से दोबारा बढ़िया तरीके से करेंगे।